चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको चार ऐसे लार्ज कैप बता रहा हूं जो अपनी कैटेगरी में सबसे बेस्ट माने जाते हैं और इन चारों को आप अपने पोर्टफोलियो के लिए चुन सकते हैं। वैसे दोस्तों आफ्टर रीकैटेगराइजेशन बहुत सारे फंड जो हैं वो चेंज हो गए हैं और बहुत सारे लोगों के अंदर कंफ्यूजन है कि किस टाइप के लार्ज कैप चुने जाए नहीं चुने जाए, तो ये वीडियो आपको काफी हद तक मदद कर देगी। लार्ज कैप दोस्तों क्या होता है सबसे पहले ये समझ लीजिए अगर आप नहीं जानते हैं। लार्ज कैप जो है आपकी जो इंडिया की टॉप बेस्ट कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं, जैसे टाटा बिरला अंबानी जो भी ऑलरेडी सक्सेस हो चुके हैं ब्लू चिप कंपनियां हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं, तो जिनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो काफी बड़ा होता है। तो इसके अंदर होता यह है कि मार्केट की उथल पुथल का इन कंपनियों के ऊपर कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से आपका जो पैसा है वो काफी हद तक सेफ रहता है। स्मॉल और मिड कैप कैटेगरी के फंड के मुकाबले लार्ज कैटेगरी का फंड जो है वो काफी हद तक सेफ रहता है। इसी वजह से जो लोग एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको लार्ज कैटेगरी लेने के लिए मैं कभी नहीं बोलूंगा, उनको जो है स्मॉल और मिड कैप टाइप के फंड के अंदर ज्यादा फोकस करना चाहिए और उधर इन्वेस्टमेंट करके आप एक बड़ी रकम बना सकते हैं, लेकिन उधर रिस्क भी बहुत बड़ा होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए म्यूचुअल फंड के टॉपिक के ऊपर इस टाइप की वीडियोस हमेशा लेकर आता रहता हूं। तो ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, आइए फटाफट शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं हमारी YouTube चैनल मनी एसपी। दोस्तों अभी हैं आप मेरे लैपटॉप के ऊपर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये बताना चाहता हूं। इस वीडियो में दिखाए गए जितने भी फंड मैं आपको दिखाऊंगा वो मेरी अपनी खुद की रिसर्च के ऊपर है, इस फंड को आप अपने लिए एक रिकमेंडेशन ना समझे। तो चलिए सबसे पहले खोलते हैं गूगल। गूगल के अंदर मैंने चार फंड पहले से ही निकाल के रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहला फंड जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है एसबीआई का ब्लू चिप डायरेक्ट ग्रोथ फंड। ये दोस्तों काफी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है पिछले 5 सालों से। इसके बारे में मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं, ये इसको जो क्रिसल की रैंकिंग जो मिली हुई है वो 5 स्टार मिली हुई है। वैसे रैंकिंग तो कभी भी अप एंड डाउन हो जाती है, उसकी बात अब मत करिए, यहां पर इसको 5 स्टार मिला हुआ है और आप देख सकते हैं ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों में अवेलेबल है। और यहां पर जो ग्रोथ ऑप्शन का जो एनएवी है वो आप देख सकते हैं 39.597 आपको दिखा रहा है। इसकी कैटेगरी जो है वो लार्ज में आती है और इसका जो एसेट साइज आप देखेंगे तो अभी तक जो मई 31, 2018 तक तो ये दिखाई दे रहा होगा आपको 19,121 करोड़ रुपए है और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी काफी कम है 1.15%। तो आप ये इतनी चीजें देख करके ही इस फंड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे, लेकिन एक बात हमेशा दिमाग में गांठ बांध लीजिए, फंड का चुनाव करने से पहले आप उसका गिरते टाइम का जो परफॉर्मेंस है उसको भी देखें, तब आपको पता ये चलेगा कि वो जो फंड है वो बाकियों के मुकाबले थोड़ा सा कम गिरा है। तो इसका मतलब ये है उसका जो फंड मैनेजर है उस फंड को अच्छे से मैनेज कर रहा है, अच्छी तरीके से मैनेज करने की वजह से उसका जो फंड है उसमें गिरावट आपको कम नजर आएगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो आपको सारी चीजें मैंने बता दी है, यहां पे ये अपने बेंचमार्क से ऊपर परफॉर्म किया है अभी तक। और बात कर ले अगर इस फंड हाउस की तो ये एसबीआई म्यूचुअल फंड का फंड हाउस है, इसका बेंचमार्क जो है S&P/BSE 100 है और यहां पर आप सारी चीजें और देख सकते हैं नीचे जाइए थोड़ा सा। और दोस्तों यहां पर इन्वेस्टमेंट डिटेल में आपको मिल जाएगा रिटर्न सिंस लॉन्च, तो ये 16.80 आपको यहां पर लिखा हुआ मिल जाएगा। ये वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट है, मैं अभी फिर से बोलना चाहूंगा कि मैं किसी भी वेबसाइट का कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। तो दोस्तों यहां पर नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन और आपको मिल जाती है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो इसमें आप 5,000 रुपीज कर सकते हैं, मिनिमम लमसम अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 1,000 कर सकते हैं, मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो 500 रुपए कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, अगर आप चाहते हैं कि मेरा बजट केवल 500 रुपीज ही है लार्ज कैप के लिए तो ये ऑप्शन आपको देता है 500 रुपीज का भी। मिनिमम नंबर ऑफ चेक जो है वो 12 है और आप देख सकते हैं मिनिमम विड्रॉल जो है वो 1,000 रुपए है, मिनिमम बैलेंस जो है वो 1,000 रुपीज है और इस पे जो एग्जिट लोड पड़ता है वो अगर आप 1 साल से पहले निकालेंगे तो यहाँ पर 1% का एग्जिट लोड आपको पे करना पड़ेगा। और इस फंड के रिटर्न के ऊपर अगर फोकस करें जिसपे खास करके लोग ध्यान देकर के फंड को चुन लेते हैं और उसमें जो है कभी कभी नुकसान भी उनका होता है, तो आप देख सकते हैं इसके 5 साल का अगर आप रिटर्न देखने जाएंगे तो 19.28% का रिटर्न इसने दिया है। तो ये अगर आप एक लॉन्ग टर्म का गोल लेकर चलते हैं तो ये फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए काफी कमाल का जो फंड है वो साबित होगा। ये अपने साथ के दूसरे फंड से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप यहां पर देख सकते हैं। चलिए इसके कुछ होल्डिंग्स के बारे में, टॉप होल्डिंग्स के बारे में देख लेते हैं। HDFC बैंक्स ये देख लीजिए और ये महिंद्रा IIT सारे मतलब बढ़िया बढ़िया कंपनीज के साथ में इसका जो एसेट लोकेशन है। और इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन और देख ली जाती है,
तो पोर्टफोलियो के अंदर आते ही आपको यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन और मिल जाएगी। ये देख लीजिए, यहां पर आपका जो एवरेज मार्केट कैप है वो आपको नजर आ जाएगा, देख लीजिए, और बेंचमार्क, कैटेगरी, सारी डिटेल मिल जाएगी। आप जो भी देखना चाहते हैं वो सारी डिटेल आपको यहां से मिल जाएगी। ये देख लीजिए, यहां पर जो रेड वाला है वो इक्विटी का है, और ये ब्लैक कलर का है जो डेप्थ का है, और कैश एंड दूसरी चीजों में भी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। चलिए थोड़ा सा और नीचे आ जाएंगे तो आपकी जितनी भी कंपनियां हैं लिस्टेड वो सारी यहां पर आपको दिखाई दे जाएंगी। लार्ज कैटेगरी में सारे बेहतरीन और ऑलरेडी सक्सेस कंपनियों का ही नाम होगा। तो आप ये जितनी भी कंपनियां देख रहे हैं यहां पर, HDFC बैंक, कोटेक, ये वो जितनी भी बेहतरीन कंपनियां हैं ये लिस्टेड आपको इस फंड के साथ में मिल जाएंगी। तो ये फंड जो है लार्ज कैटेगरी में काफी अच्छा फंड है। अगर आप इसके साथ में इन्वेस्टेड हैं तो स्टे इन्वेस्टेड। वैसे दोस्तों कुछ महीनों से मार्केट की हालत बहुत खराब चल रही है, लेकिन यहां से मार्केट उठेगी, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। SIP कंटिन्यू करते रहिए, बड़ी रकम लगाने से पहले एक दो बार जरूर सोचिएगा, लेकिन SIP जो चल रही है उसको चलने दीजिए। चलिए फिर बात कर लेते हैं अगले फंड की। तो जो अगला फंड है वो है रिलायंस लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये फंड भी दोस्तों मुझे काफी अच्छा लगता है। अच्छा इस वजह से लगता है कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, बाकी सारी चीजों के बारे में बात करूंगा तो आपको भी पता चल जाएगा कि इसमें जो है काफी कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से इसके अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है। रिलायंस लार्ज कैप डायरेक्ट फंड जो है वो 4 स्टार से नवाजा गया है क्रिसल की तरफ से, और ये एक लार्ज कैटेगरी का फंड है वो आपको यहां पर मेंशन हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसके ग्रोथ का जो NAV रेट है वो 33.1586 है, और यहां पर जो एसेट साइज आप देखेंगे 10,054 करोड़ रुपए जो है इसके पास है 31 मई 2018 तक। एक्सपेंस रेशियो काफी कम है तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। बहुत ही थोड़े से पैसे आपसे लिए जाएंगे मैनेज करने के लिए। थोड़ा सा आप नीचे आ जाएंगे तो इसके बारे में और इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, बेंचमार्क वगैरह सारी चीजें आप यहां से देख सकते हैं। इस फंड का रिटर्न सिंस लॉन्च अगर आप देखेंगे तो 15.91 है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। इसका भी सेम उसी तरीके से आप 5,000 रुपीज का जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें दोस्तों सेम है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है, मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट जो है वो 100 रुपीज से आप कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज है, और मिनिमम विड्रॉल भी आप 100 रुपीज कर सकते हैं। तो रिलायंस के इस प्लान के अंदर ये काफी अच्छी चीज है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वैसे मैं स्टूडेंट को ये करूंगा कि आप जो है स्मॉलर मिड कैप टाइप के फंड लीजिए, क्योंकि आपके पास झटके झेलने के लिए बहुत ही लंबा चौड़ा टाइम पड़ा हुआ है। अगर बात कर लें इसके फंड की तो आप देख सकते हैं 5 ईयर का जो इसका रिटर्न रहा है पिछले 5 ईयर का वो 19.84% रहा है। तो लॉन्ग टाइम होरिजन को देखते हुए ये फंड जो है काफी कमाल का है, और ये फंड भी गिरते टाइम पे काफी धीरे से गिरता है बाकी फंड के मुकाबले। ऐसा नहीं है कि फंड दोस्तों एकदम से बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है और मार्केट टूट गई तो ये फंड में आपको बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बाकी फंड के मुकाबले ये फंड जो है वो आपको थोड़ा सा कम गिरेगा, ऐसा दोस्तों इसका जो है अभी तक का रिकॉर्ड देखा गया है। इस फंड की भी अगर आप टॉप होल्डिंग्स देखने जाएंगे तो लगभग सेम ही मिलेगा। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और ITC, ये सारी जो है L&T, इन्फोसिस, एक्सिस, और ज्यादातर इसका जो है बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा है आप देख सकते हैं, और टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, ये सब नंबर 1 कंपनियां हैं इंडिया की। तो इनके अंदर इस फंड का जो है पैसा वो इन्वेस्टेड है, तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो पैसा है वो काफी हद तक सेफ एंड सिक्योर रहेगा। चलिए पोर्टफोलियो में अगर आप जाएंगे तो थोड़े बहुत और जो कंपनियों के नाम है वो आपको मिल जाएंगे नीचे देखने के लिए। देख लीजिए इतनी कंपनियां दोस्तों जो है वो आपके साथ में है, आपके इस प्लान के साथ में है। टाटा मोटर, सनफार्मा, ये देख लीजिए, बजाज फाइनेंस, और ये सारी कंपनियां जो है आप यहां पर देख लीजिए लिस्टेड है, आप यहां से देख सकते हैं। दोस्तों अगर बात कर ले फंड मैनेजर की तो यहां पर फंड मैनेजर का नाम मेंशन है। एनालिसिस में जाएंगे तो फंड मैनेजर का आपको नाम मिल जाएगा, शैलेश राजभवन। ये इस फंड को 2013 जनवरी से जो है वो हैंडल कर रहे हैं, और ये एक काफी अच्छे फंड मैनेजर माने जाते हैं। आप इनके ऊपर क्लिक करके इनके बारे में सारी डिटेल देख सकते हैं। ये देख लीजिए इन्होंने MBA किया हुआ है, और ये सारी डिटेल आपको यहां पर दे देंगे। ये कौन कौन से फंड मैनेज कर रहे हैं वो भी आपको यहां पर डिटेल जो है वो मिल जाएगी, जैसे ही फंड मैनेजर के नाम के ऊपर ये आप क्लिक करेंगे। और दोस्तों इनके एक्सपीरियंस के बारे में अगर बात कर ली जाए तो 19 साल का इनके पास में एक्सपीरियंस है, और 10 साल से ये रिलायंस के साथ में काम कर रहे हैं। तो ये फंड भी काफी अच्छा है लार्ज कैटेगरी के लिए। अगर आप लेना चाहते हैं तो इस फंड को भी आप आंख बंद करके ले लीजिए, काफी अच्छा फंड है। चलिए अभी बात कर लेते हैं तीसरे फंड की। तो जो तीसरा फंड दोस्तों मैं लेकर आया हूं वो है आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंट लाइन इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ये फंड भी दोस्तों मुझे काफी अच्छा लगता है, काफी अच्छा इसके परफॉर्मेंस की वजह से लगता है। कुछ लोग इसकी NAV को देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि इसकी जो NAV है वो 245.48 रुपया है। तो इसका मतलब ये है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार NAV
इतनी तो बढ़ चुकी है, अब पता नहीं और कितनी बढ़ेगी। तो मैं आपको करेक्ट कर देना चाहता हूं कि अगर ये 250 टच होने वाली है तो ये 300 भी जा सकती है, ऐसा आप मत सोचिए। यहाँ पे 225 आपको दिखा रहा है तो ये 300-500 भी जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये 225 तक आ गया है तो आगे नहीं बढ़ेगा। कम कई लोग बोलते हैं कि NAV का रेट कम होने से उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं बोलता हूं उस फंड का फ्यूचर डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर उसकी NAV कम है, नया नया फंड है, तो उसके उस टाइप के फंड से तो आप दूर ही रहिएगा, तो ठीक है। ये दोस्तों लार्ज कैटेगरी का फंड है, वो मैं आपको बता चुका हूं। अगर इसके एसेट साइज की बात करें तो 20,332 करोड़ रुपए इस फंड के पास में है 31 मई 2018 तक। एक्सपेंस रेशियो काफी कम है, आप देख सकते हैं 1.11% आपसे ये लेता है फंड टोटली। बात कर लेगा तो कुछ और इन्फॉर्मेशन की तो इसके बेंचमार्क आप देख सकते हैं, ये निफ्टी 50 टोटल रिटर्न्स जो है यहाँ पर आपको मेंशन है, और यहाँ पर अगर आप आएंगे रिटर्न्स की तो 15.73% जो है इसने रिटर्न दिया है। मिनिमम जो है ये तीनों चीजें जो है इसकी 1,000 रुपीज है, वो आप देख पा रहे होंगे। बात कर लेगा एग्जिट डॉट की तो ये भी एक इक्विटी सेक्टर का फंड है। बात कर ले दोस्तों एग्जिट लोड की तो इक्विटी से है, तो जाहिर सी बात है 1% का एग्जिट लोड 1 ईयर के अंदर आपको देना पड़ेगा। बात कर ले दोस्तों परफॉर्मेंस की तो आप देख सकते हैं पिछले 5 ईयर का जो इसका रिटर्न रहा है वो 18.10 रहा है, तो ये भी दोस्तों बुरा नहीं है। लार्ज कैटेगरी में इतना अगर रिटर्न आपको पिछले 5 ईयर्स में मिल रहा है तो वेल एंड गुड, मैं बोलता हूँ ये फंड काफी अच्छा है। चलिए इसके कुछ एसेट लोकेशन के बारे में देख लेते हैं, चलिए इस फंड के होल्डिंग्स के बारे में देख लेते हैं। होल्डिंग्स देखने आप जाएंगे तो लगभग आपको सेम ही मिलेगी, L&T इसमें भी है, मारुति इंडिया, येस बैंक, महिंद्रा, ये सब तो दोस्तों दूसरे लार्ज कैप में भी थी, तो आप देख सकते हैं कि थोड़े बहुत चेंजेस हैं, बाकी सारी चीजें जो है वो सेम ही है। अभी दोस्तों एनालिसिस में अगर आप आएंगे तो एनालिसिस में इनके फंड मैनेजर का नाम मिल जाएगा आपको, महेश पाटिल हैं, ये भी 2013 से इसको हैंडल कर रहे हैं। अगर इनके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर इनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, देख लीजिए ये इतने फंड जो है वो मैनेज कर रहे हैं, तो ये भी काफी अच्छे फंड मैनेजर हैं, तभी दोस्तों ये फंड जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और मेरे हिसाब से अगर आपके पास ये फंड है तो आप इसके साथ में इन्वेस्टेड रहिए, अगर आप नया लेना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी फंड ले लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ SBI नंबर 1 हो गया है, रिलायंस नंबर 2 हो गया, मैं कोई भी आगे पीछे कर देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि ये फंड बहुत अच्छा हो गया, दूसरे वाले खराब हो गए। चलिए अभी बात करेंगे चौथे फंड की, तो वो है मोतीलाल ओसवाल फोकस 25 फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। दोस्तों ये फंड भी काफी अच्छा है, अगर आप इसके साथ में इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड रहिए। NAV कई लोग बोलते हैं ना NAV कम है, देख लीजिए इसकी NAV कम है, लेकिन ये फंड जो है वो काफी अच्छा है। 3 इसको जो है 4 स्टार मिलता है क्रिशल की तरफ से, आप देख सकते हैं NAV का रेट है 23.2461। बात कर लेगा एसेट साइज की तो वो आप देख सकते हैं 1115 करोड़ जो है 31 मई 2018 तक है। एक्सपेंस रेशियो की बात कर ले तो वो भी कम है, 1.30 आपको यहां पर मेंशन है। थोड़ा सा और अगर आप नीचे आएंगे तो यहां पर इस फंड की बेसिक डिटेल आपको मिल जाएगी, जो फंड हाउस है वो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड है, लॉन्च डेट आपको मिल जाएगी, बेंचमार्क आपको मिल जाएगा, जो रिस्कोमीटर है वो आप देख सकते हैं, रिस्क ग्रेड जो है वो लो है, और ये जो रिटर्न ग्रेड है वो अबव एवरेज आपको यहां पर मिल जाएगा, देख लीजिए। और ये रिटर्न सिंस लॉन्च आप देख सकते हैं 17.79% आपको दिखा देगा, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 5,000, बाकी सब 1,000 आपको मिल जाएगी, और मिनिमम विड्रॉल जो है वो आप 1,000 ही कर सकते हैं। और यहां पर अगर बात कर लें एग्जिट लोड की, एग्जिट लोड वगैरह जो है वो 1 ईयर के अंदर अगर रिडीम करेंगे तो आपको जो है 1% का एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। तो ये तो दोस्तों डिटेल हो गई इसकी। अगर बात कर लेते हैं इसी के मुकाबले दूसरे फंड की, तो आप देख सकते हैं दूसरे फंड का जो रिटर्न है इसके मुकाबले काफी कम है, और इसकी होल्डिंग्स की अगर बात कर ले तो लगभग 200 होल्डिंग्स जो है वो लार्ज कैप के बढ़िया फंड की एक जैसी ही होती है, थोड़े बहुत चेंजमेंट होते हैं। चलिए अभी चलते हैं एनालिसिस में और देखते हैं फंड मैनेजर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो जैसे ही आप आएंगे एनालिसिस में, यहाँ पर आपको मिल जाएगा फंड मैनेजर का नाम, ये देख लीजिए सिद्धार्थ जी हैं, और यहाँ पर जैसे ही आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ये एक्सपीरियंस वगैरह मिल जाएगा, देख लीजिए 13 ईयर का इनके पास में एक्सपीरियंस है। पूरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में कुछ इतना ही था, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्किल में फेसबुक और व्हाट्सएप पे इसको शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों को इन सब चीजों के बारे में पता चल सके। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।